हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑथेंटिक स्टार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे ही होंगे। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं आपको बताने वाला था कि सरप्राइज देने वाला था कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, और मैंने आपको बोला भी था। तो गाइस, आई वांट टू कवर द लिस्ट ऑफ सीरीज़ जो कि आप ट्रैवल कर सकते हो अपने BRB पे। तो क्या है कि अभी तक वो मैंने यूज़ नहीं करा था। एक साल हो गया मुझे कहीं ट्रैवल करने का सोच रहा था, प्लान करने का सोच रहा था, वो प्लान नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना BRB को यूज़ करें। तो सबसे पहले मैंने जो है सभी टिकट बुक करते हैं, टिकट्स बुक करी। टिकट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप UK से प्लान कर रहे हैं। अगर आप पहले बुक कर लेते हैं यू विल गेट टिकट्स इन £27। तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। और बाकी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपका बेसिकली जो यूज़ होता है वो यहाँ पे BRP यूज़ होता है। एंड पहले था, मैंने रूल चेक किया था कि आप इंडियन पासपोर्ट पे अल्बेनिया आ सकते थे, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत नहीं थी। बट जैसे मैंने अभी इमिग्रेशन में गया तो मैंने इंडियन पासपोर्ट दिखाया, फिर उन्होंने एडिशनल BRP मुझसे मांगा, BRP बायोमेट्रिक रेजिडेंट कार्ड। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ, या जो लोग मेरे व्यूअर्स इंडिया से देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ कि अगर आपके पास BRP नहीं है तो यू कैन नॉट ट्रैवल इन टू दिस कंट्री। एंड तो ये एक मुझे आपको अपडेट देना था। तो मैं अभी इस टाइम हूँ टिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये मौसम बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, इंडिया की याद आ गई मुझे। काफ़ी गर्म है एज़ कम्पेयर टू UK। UK में तो इस टाइम जैकेट्स तक मैं निकाल लिए अपने सारे, तो जैकेट मैंने रख दिया अपने बैग में। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो सबसे पहले अभी लैंड करते हैं, मैंने इतना आपको जो अपडेट देनी थी वो मैंने बताया। मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी और मैं टाइम से यहाँ पहुँच गया हूँ। तो अभी देख रहा हूँ मुझे क्या करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने पूछा करेंसी एक्सचेंज में कौन सी करेंसी जो है वो कन्वीनियंट है। तो मैंने अपने जो पाउंड्स हैं वो चेंज करवा लिया अल्बेनियन लेक में। लेट्स सी, आगे का वीडियो मैं बनाता रहूँगा कंटिन्यू, और इस पूरे व्लॉग में स्टे कनेक्टेड गाइस, क्योंकि ये मेरी सोलो ट्रिप। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा दोस्त आने वाला था उसका BRP गुम हो गया, तो वो नहीं आ पाया। अब यह मेरी सोलो ट्रिप, लेट्स एक्सप्लोर दिस कंट्री। दिस इज़ अल्बेनिया, आप देख सकते हो अल्बेनिया। ऐसा कुछ इतना अभी तक फैसिनेटिंग नहीं लगा है, सेम लाइक हिमाचल, बट लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। और यहाँ पे टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दिस इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव। बट जब आप नए आते हो आपको नहीं पता होता है, तो मैंने फर्स्ट अभी टैक्सी एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ड्राइवर सीट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे नहीं है। एक और ये नई चीज़ बात पता लगी मुझे यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल, और नेक्स्ट फिर मैं कंटिन्यू करूँगा अपने होटल पे सामान रखने के बाद, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये पहुँच गया हूँ मैं अपने होटल पे, आपको होटल दिखा दूँ अपना। तो ये मैंने जो टैक्सी करी थी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी है टैक्सी, सिर्फ 6 किलोमीटर का मैं बताऊँगा, 6 किलोमीटर का मुझे चार्ज किया £26 अप्रॉक्स। सो तो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस, जो कि यहाँ पे टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पैदल चल के आऊँ। तो नेक्स्ट आई विल सी, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, और स्टे ट्यून्ड गाइस, करते हैं अल्बेनिया में धमाल, और आपको बताता रहूँगा अल्बेनिया की सारी अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑथेंटिक स्टार। तो मैं ये दिखा दूँ आपको कि जब मैं आया था तो मैंने ये रूम बुक किया था, और मैं कल काफ़ी थक गया तो आके सीधा सो गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस रूम के लिए मैंने £24 पे किए थे, एंड यूरोस इट वुड बी लाइक अराउंड 29 यूरो समथिंग, और पाउंड्स में £24 पे किए थे। और काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी बड़ा रूम मुझे मिला था। तो ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट है, थोड़ा सा आउटर में मुझे पड़ा था ये, बट द कंडीशन आप देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि किस तरीके का रूम आपको मिलेगा अगर आप टिराना आते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी टिराना में, अभी तक मुझे फेस करी है, वो है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपकी लाइफ मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन जो मुझे फूड है, मतलब मैं अभी थोड़ा आउटस्कर्ट में ही हूँ, इतना मेन नहीं गया हूँ, बट वेजिटेरियन अभी मुझे ऑप्शंस नहीं मिले हैं। बट आई विल लेट यू नो कि जो वेजिटेरियन फूड है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या खा सकते हो। वैसे सैलड वगैरह का ऑप्शन था यहाँ पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वेजिटेरियन हो देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। और मैं अभी आज निकलूँगा टिराना के लिए, अभी होटल जियोशे है ये, यहाँ मैंने बुक किया था एक दिन के लिए, और इसके बाद मुझे अब निकलना है टिराना। तो जो नेक्स्ट जर्नी है वो मैं आपको टिराना में बताऊँगा, और टिराना एक्सप्लोर करेंगे हम आज।
तो स्टे ट्यून गाइस, स्टे कनेक्टेड। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन लग है यहाँ पे, और थोड़ा इंग्लिश में लोग बात कर लेते हैं अगर अपन गाने की कोशिश करोगे, प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू था सामने होटल का, आउटस्कर्ट में था। आज मैं कोशिश करूँगा तिराना में पूरा व्यू कैप्चर करने का, बिकॉज़ एक दिन तो मेरा पूरा रेस्ट करने में निकल गया। यहाँ की रोड यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे सेम इंडिया वाली फीलिंग है ये ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, तो थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये सामने आपका पेट्रोल पंप, बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जब मैं यूके से आया, वो है यहाँ पे सनलाइट मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पे फील हो रही है। नहीं तो यूके में इज़ ऑल द टाइम इट्स क्लाउडी, और यहाँ पे जो है पूरा सनलाइट जो है ना, पूरा एक आप फील कर सकते हो आपकी बॉडी पे, आई कैन फील दैट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे टैक्सी ही करनी पड़ी, बिकॉज बसेस यहाँ पे मुझे नहीं मिली। एंड उसके बाद जो शूट है मैं आपको अपने डी जे एक्शन कैम फोर से दिखा रहा हूँ। So finally I'm in Tirana, Tirana city center, और यू कैन सी द व्यू। वाइब तो है यार, तिराना इज़ बेटर। जहाँ मैं रुका था वहाँ इतना फील नहीं आ रहा था, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, और आपके साथ आप भी मेरे साथ साथ देखो तिराना। एंड हियर वी गो। तो ये है तिराना सेंटर, सी द डिफरेंस क्लियरली। जहाँ था वो काफ़ी सिक्योर्ड एरिया था, और सॉरी इस टाइम मेरे पास माइक नहीं है, सी द नॉइस एज वेल। सबसे अच्छी बात मुझे अभी तक जितना भी मिला उन लोगों से, लोग काफ़ी अच्छे और फ्रेंडली हैं यहाँ पे। एक टैक्सी वाले ने मुझसे ज़्यादा पैसा ले लिया था, बट सारे ऐसे नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं लोग। और ये बस मैं आपको दिखाता हूँ, इस तिराना बस ही है जो बस आप देख रहे हो, इस तिराना से गई। ये है मेरी फाइनल वॉक, जो मुझे पसंद है। मेरी कैंसी की तरफ आना, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है सिटी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मज़ा आ गया। एंड बस सर्विसेज जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरी एडवाइस ये है जो भी तिराना आने वाले हैं कि जब भी आप आउट तिराना, तो कोशिश करो कि आप सेंटर में ही यहाँ पे होटल बुक करो। आई नो इट्स गोना बी एक्सपेंसिव, बट अगर आप थोड़ा आउटर में जाते हो आपको सस्ता चीप पड़ सकता है, प्राइस वगैरह आपको हो सकता है आपको सस्ता पे करना पड़े, बट अगेन यू हैव टू बुक द टैक्सी, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट गुड इन दिस कंट्री इन टर्म्स ऑफ आउटस्कर्ट। अगर आप आउटस्कर्ट में हो देन यू विल स्ट्रगल। सो आई वुड से जो मुझसे गलती हुई थी आपने मत करना, आप कोशिश करना कि आप टाउन सेंटर में ही यहाँ पर अपना घर लो या अपना एकोमोडेशन आप वगैरह देखो यहाँ पे। ये कैंसिल क्या कहें, जो मेरे फ्रेंड्स जितने भी दोस्त मेरी फैमिली इस टाइम इंडिया में है, तो यू कैन सी द तिराना, इट इज़ ब्यूटीफुल। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है।
आई कैन सी द वाइट। बसेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर, इम्प्रेसिव और अच्छी खासी सिटी है। इतना गलत डायरेक्शन में आ गया हूँ मैं, तो यू कैन सी द ब्यूटीफुल चिराना। और जो ये सबसे अच्छी बात, जो यहाँ का वेदर है, जो सनशाइन है, यू कैन फील इट। जो मैं मिस कर रहा था, मज़ा आ गया। आई कैन फील द सनशाइन ऑन माई फेस। जो होता है ना कि बॉडी में जो हीट जो मिसिंग थी, वो मुझे यहाँ फील हो रही है, सेम लाइक इंडिया। बर्गर किंग, तो भाई ये है चिराना जो आप देख रहे हो, सिटी सेंटर वॉक। अब लग रहा है कि हाँ मैं सिटी में हूँ, हाँ मैं एक डिफरेंट कंट्री में हूँ। कल तो थोड़ा मैं थक गया था और मुझे इतना फील भी नहीं आया था सच बताऊँ तो, बट हेयर आई कैन फील इट कि भाई हाँ। तो दिस इज़ फेमस स्कैंडरबर्ग स्क्वायर, मैं लेके चल रहा हूँ आपको यहाँ पे अभी। सो ये एक पहली चीज़ अभी तक जो मैंने कवर की है, एंड आई विल ट्राई टू कवर अदर प्लेसेस एज वेल। दिस इज़ द फर्स्ट वन। घूमते रहिए आप भी अल्बेनिया मेरे साथ। इस कैमरा के साथ मज़ा आ रहा है मुझे रिकॉर्ड करने में। पहली बात, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, कैमरा क्लियरिटी बहुत अच्छी है, विदाउट माइक इवन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है वीडियोस में, यू कैन सी दैट। विल ट्राई टू कवर, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको सब सिग्नल से। तो यार ये एक स्कैंडरबर्ग स्क्वायर अल्बेनिया में, जो इस प्लेस कहते हैं उसे, मुझे कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है। लेट्स गो टू दैट साइड, वी विल सी द म्यूजिक क्या चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ गया।
काफ़ी लोग उनकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, म्यूजिक म्यूजिक काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका बैंड। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ क्लॉक टावर और फिर आना, और जाते जाते मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं एक बार ही ब्यूटी ऑफ फिराना। और पता है क्या है, मज़ा इस बात का आ रहा है कि टाइम रुक सा गया है, ट्रैवलिंग एक अलग ही नशा है, तो सोच रहा हूँ इस नशे को मैं कंटिन्यू करूँ। तो नेक्स्ट ट्रिप डेफिनेटली मैं अपने यूके बीआरपी पे, आप कौन सी नेक्स्ट कंट्री जा सकते हो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, और खुद जाऊंगा उसके बाद फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो जो पहली कंट्री थी वो मेरी तिराना, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया ही है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। इट्स नॉट एक्सपेंसिव, अगर आप सेंटर में अगर आप रहते हो तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव, बिकॉज यहाँ पे बसेस वगैरह ईजिली आप कम्यूट कर सकते हो। बट अगर आप सेंटर में नहीं रहते हो और थोड़ा आउटस्कर्ट में, जैसे मैंने किया था थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश, तो वो चीज़ फिर काम नहीं आई, बिकॉज बसेस है यहाँ पे बट वो आपको 1 यूरो 2 यूरो में मिल जाती है। तो बट द थिंग इज़ वो इसे ढूंढना, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, बसेस मिलना है बहुत मुश्किल है। तो सिटी सेंटर ये है, बिल्कुल सिटी सेंटर में हूँ इस टाइम, यहाँ पे मैं ओस्कनबर्ग स्क्वायर, और मज़ा आ गया है यहाँ पे। यू कैन सी द व्यू, मैं पूरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो उसका वाइड एंगल है वो काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी एवरीथिंग, आप सब कुछ देख सकते हो सेंटर में। कैमरा को मूव कर रहा हूँ मैं, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया है, पहली जगह जो मैंने कवर की है ओस्कनबर्ग स्क्वायर, दिस इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है। और कुछ चीज़ें जो आप कैमरा से चाह के भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ मेरे जितने भी मेरे वीडियो देखेंगे आप, ये देखने वाले हैं जब मैं अपलोड करूँगा, तो आई वॉन्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट, जो मोटिवेट करता है। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप, सो आई वॉन्ट सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज़।